my channel which is Simple Learning, and today we will study the remaining chapter. The name of the history chapter name Successors of Akbar, and this is the part 2 of this video. And if you have not seen the part 1 of this chapter, then I always save the chapter in the playlist, and in the playlist you can find all the chapters I uploaded there. So student, without further delay, let's get started. In the previous video, we read about Shahjahan, Jahangir, their policies and what they did at their time. So in this video, we start from here, Aurangzeb. The last years of Shahjahan's reign were marked by a bitter war of succession among his four sons, namely Dara, Murad, Aurangzeb and Shuja. जो लास्ट का साल थे, यानी कि बाकी के जो बचे हुए साल थे शाहजहां के शासनकाल के, वो कैसे देखे जाते हैं? वहां पे क्या हो गया था? लड़ाई हो गई थी, उनके जो फोर सन थे यानी कि उनके जो चार बेटे थे उनके बीच में क्या हो गया था कि अब जिनका नाम ये था दारा, मुराद, औरंगजेब और सुजा, तो उनके बीच में ये हो गया था कि अब गद्दी पे हम में से कौन बैठेगा। यानी कि पहले क्या होता था स्टूडेंट, जो राजा था जैसे वो देखते थे कि ये अब क्या होने वाले हैं, अपने टाइम के नजदीक है, यानी कि अब ये हटने वाले हैं इससे राजगद्दी से, और हम इसके बाद कौन बनेगा सक्सेसर, ठीक है। तो उनमें क्या हो जाने लग जाता था, आपस में वॉर हो जाने लग जाती थी राजा को, राजा बनने को लेके। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। इन दिस वॉर ऑफ सक्सेशन हिज थर्ड सन औरंगजेब एमर्ज विक्टोरियस। और ये यहाँ पे जहाँ पे युद्ध हो रहा था कि कौन बैठेगा उस गद्दी पे, तो उनको उनका जो तीसरा सन था जिसका नाम था औरंगजेब, तो वो जीते और वो बने राजा। He defeated his brothers and after imprisoning his father Shahjahan in the Agra fort, ascended the throne in 1658. उन्होंने अपने भाइयों को क्या किया, हराया, और अपने पापा को क्या कर दिया, बंद कर दिया, जिनका नाम था शाहजहां, कहां पे, आगरा फोर्ट में, और अपने आप बैठ गए गद्दी पे। तो उन्होंने ऐसा किया। He took the title of Alamgir, meaning conqueror of the world, और इन्होंने टाइटल लिया आलमगीर, जिसका मतलब होता है conqueror of the world, यानी कि पूरे संसार के विजेता। तो स्टूडेंट, इस वाले चैप्टर में आपके पास बहुत सारे टाइटल है एम्पायर के, किस एम्पायर के, जैसे नूरजहां का हमने पढ़ा था, ठीक है, मेहरुन्निसा, तो ऐसे ही करके आपको ध्यान रखना है कि किसको क्या टाइटल दिया जाएगा, दिया गया था। तो यहाँ पे जो औरंगजेब है उन्होंने आलमगीर का टाइटल लिया, और जिसका मतलब होता है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। औरंगजेब हैड अ लॉन्ग रेन लास्टिंग ऑलमोस्ट 50 इयर्स टिल 1707। जो औरंगजेब है उनका जो शासनकाल रहा वो 50 साल तक रहा, यानी कि 1707 तक। इस पीरियड में जो मुगल एम्पायर था वो एक्सपेंड हो, बढ़ गया था। कहां तक बढ़ गया था कि इसने क्या फॉर्म किया, बहुत बड़ा सिंगल स्टेट इंडिया में, ठीक है, जिसको आज भी जाना जाता है। By the end of the 17th century, it extended from Kashmir in the north to Jinji in the south and from the Hindu Kush in the west to Chittagong in the east. तो यहाँ पे देखिए कि ये कितना ज्यादा एक्सटेंड हो चुका था, जो 17th सेंचुरी के लास्ट में ये कहाँ तक एक्सटेंड कर गया था, यानी कि कश्मीर जो नॉर्थ में है, जिंजी जो साउथ में है, हिंदू कुश जो वेस्ट में है, यानी कि पूरी डायरेक्शन में इन्होंने अपना जो अंपायर है उसको फैला दिया था। औरंगजेब लॉन्ग रेन इज डिविजिबल इंटू टू पार्ट्स। जो औरंगजेब का शासनकाल है उसको डिवाइड किया गया दो पार्ट में। जो पहला पार्ट है उसमें कहां से कहा था कि 1658 से 1680 तक, व्हेन ही रिमेन्ड इन नॉर्थ इंडिया, जब वो नॉर्थ इंडिया में रहे और उन्होंने बहुत सारे रिवोल्ट को क्या किया, बहुत सारे रिवोल्ट को जीता, जो भी विद्रोह हुए उनको क्या किया, दबाया, यानी कि उनके ऊपर अपना क्या किया, उनके ऊपर अपना जो भी है पावर वगैरह वो दिखाई और उससे वो जीत गए। जो सेकंड हाफ था, ये जो पीरियड था, इनके दो, जो औरंगजेब का रेन है उसको दो पार्ट में किया गया डिवाइड, एक तो है 1658 से 1680 और जो सेकंड हाफ है वो है 1681 से 1707। इंक्लूडेड द पीरियड व्हेन ही लिव्ड इन द डेकन। और जो 1658 से 1680 तक था तो वहां पे कहां पे रहे, वो नॉर्थ इंडिया में रहे, और जो दूसरा हाफ था 1681 से 1707 इस पीरियड में वो डेक्कन में रहे। उन्होंने अपने सबसे ज्यादा जो टाइम है वो स्पेंड किया जो मराठास है उनके साथ, जो उनकी पावर थी उनको क्रश करने में, यानी कि तोड़ने में, यानी कि फिर अपनी पावर को बढ़ाने में और मराठास की पावर को तोड़ने में।
रिवोल्ट इन नॉर्दर्न इंडिया, जो रिवोल्ट विद्रोह हुए नॉर्दर्न इंडिया में वो क्या थे? द फर्स्ट टू राइज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल गवर्नमेंट वर द जाट्स ऑफ द आगरा दिल्ली रीजन। जो सबसे पहले रिवोल्ट हुई वो किसके अगेंस्ट थी? मुगल गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी। और वो किसने की? जाट, जो कहाँ के थे? आगरा दिल्ली रीजन के। जो जाट्स थे वो क्या थे? पीजेंट कल्टीवर्स थे, यानी कि जो कल्टीवेटर होते हैं, यानी कि जो काम करते हैं। और उन्होंने रिवोल्ट किया इनके अगेंस्ट किस बात पे? जब वो हाईलैंड टैक्स देते थे, ठीक है, किसके लीडरशिप में? जो वहां के जमींदार है, यानी कि हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा है ना कि जो जमींदार है वो देखते थे ना उनके अंडर में जो पीजेंट काम करते थे, तो वो उनको टैक्स जमा करते थे। किसको? जो जमींदार होगा उस पर्टिकुलर लैंड का। और ये कहां की बात है? गोखला की, 1669 में। यहाँ पे इसलिए रिबेलियन किसने किया? जाट्स ने किया, जो क्या थे? पीजेंट कल्टिवेटर्स थे। औरंगजेब हिमसेल्फ मार्च फ्रॉम दिल्ली टू सप्रेस द रिबेलियन। जो औरंगजेब है उसके बाद वो कहाँ चले गए? दिल्ली से चले गए और सप्रेस करने के लिए इस विद्रोह को। इन अ फियर्स बैटल द जाट्स वर डिफीटेड, और इस बैटल में जो जाट है वो हार गए। However, the movement was not completely crushed and the unrest among the Jats continued. ये जो movement था, ये जो विद्रोह rebellion को crush करने गए कौन? औरंगजेब suppress करने गए जो, तो ये वहाँ पे completely crush नहीं हुआ। जो बचा हुआ था movement, वो बाकी के जाट continue कर रहे थे इस rebellion को। जो बुंदेलास थे किसकी leadership में? चंपा राय की लीडरशिप में। और जो छत्रसाल इन बुंदेलखंड, जो छत्रसाल थे वो बुंदेलखंड से उठे, यानी कि लीडर होता है ना, जैसे कोई रिबेलियन होती है उसके लीडर भी होते हैं और बाकी लोग उनके साथ होते हैं। तो यहाँ पे ये था कि जो बुंदेलास थे वो चंपत राय के अंडर में थे, लीडरशिप के अंडर में थे, इस रिबेलियन को आगे बढ़ा रहे। और जो छत्रसाल थे वो बुंदेलखंड से उठे। These rebellions were the result of the discontent caused by the Highland tax and the policies of Aurangzeb. ये जो विद्रोह थे ये किसका नतीजा था? कि जो उनमें satisfaction नहीं था, जो Highland tax वो दे रहे थे वो उससे सहमत नहीं थे, और जो Aurangzeb की बाकी policies थी उससे भी वो agree नहीं थे। Though these rebellions were suppressed for some time, they eventually led to the rise of the autonomous Jat and Bundel states in early 18th century. जैसे कि जो rebellions थे वो कुछ time के लिए suppress हो गए थे, फिर उन्होंने धीरे-धीरे क्या किया? एक अपना autonomous का मतलब जिसमें हमें अपनी स्वतंत्रता होती है, यानी कि हम किसी के अंडर में रहके नहीं बनाते हैं, उस कोई भी ग्रुप वगैरह को नहीं बनाते हैं, हम इंडिपेंडेंट होके बनाते हैं, जो जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पे जो ऐसे जाट क्या हुए, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, और कहाँ पे? जो बुंदेला स्टेट्स है, कब? अर्ली 18th सेंचुरी में। और ये जो बुंदेला स्टेट्स और ये जो जाट का ये बना ग्रुप। Another armed conflict took place between the Satnamese, a religious body comprising peasants and artisans. और जो दूसरा conflict था, दूसरा द्वंद था, वो कहाँ पे? किसके बीच में था? Satnamese के बीच में। एक religious body है जिसमें कि peasant और artisans दोनों रहते थे, और local government के बीच में 1672 में, local government officials के बीच में। धीरे-धीरे जो local rebellion थी, उस वो किसके अगेंस्ट उठी? किसके अगेंस्ट हुई? मुगल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और उसको किसने क्रश किया? उस रेबेलियन को औरंगजेब ने किया, बहुत ही बड़ी लार्ज फोर्स की हेल्प से। तो ऐसे उन्होंने इस रेबेलियन को क्रश किया, किसने? औरंगजेब ने, ठीक है। यहाँ पे आपके पास दे रखा औरंगजेब का एम्पायर कहाँ कहाँ था। तो अभी हमने पढ़ा ना, नॉर्थ में भी था, काबुल, कंधार, ये औरंगजेब के एम्पायर, येलो में जितना येलो एरिया है ये सारा उनके अंडर के एम्पायर है। आप इस मैप से और अच्छे से समझ सकते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर द अहोम रूलर्स ऑफ आसाम चैलेंज द मुगल अथॉरिटी बाय एक्सपेलिंग द मुगल्स फ्रॉम गुवाहाटी एंड द नेबरिंग एरिया। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में जो अहोम रूलर्स थे असम के, अहोम रूलर्स कहाँ के? असम के। उन्होंने चैलेंज किया मुगल अथॉरिटी को, कैसे? मुगल्स को वहां से भगा के, गुवाहाटी से, और नाइबिंग जो भी नजदीक के एरिया थे वहां से भी भगा के। जो अहम रूलर थे उनको डिफीट किया और उनको फोर्स किया गया एक लार्ज वॉल, इंडेमनिटी और एनुअल ट्रिब्यूट पे करने के लिए। और ईस्ट इंडिया में जो सेस्टा खान है, यानी कि जो मुगल गवर्नर थे बंगाल के, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग नेवी बनाई और कैप्चर किया चिटगांव के पोर्ट को। इसने ओपन कर दिए
क्या ओपन किए, सीज के रास्ते, यानी कि उनको ट्रेड के लिए, यानी कि जो भी समुद्र के रास्ते थे ट्रेड के लिए जो यूज किए जाते थे उनको इसने ओपन कर दिया। और एक तरफ से उनको क्या हो गया, एनहांस मिल गया, यानी कि एनकरेजमेंट मिल गया। ठीक है, किसके थ्रू ट्रेड करने का, सीज के थ्रू। मैरीटाइम का मतलब जो वाटर के थ्रू, यानी कि आप जो उसके रास्ते होते हैं ना सीज वगैरह के, समुद्र के रास्ते, तो वैसे ट्रेड करने का, कहां पे, बंगाल में। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस थी वो एक कांस्टेंट सोर्स है ट्रबल का, यानी कि परेशानी का। क्यों? क्योंकि वहां अफगान ट्राइब्समैन अचानक से क्या हो गए, खड़े उठ गए। ठीक है, औरंगजेब वेंट टू पेशावर इन 1674, और औरंगजेब पेशावर गए 1674 में बाय द यूज ऑफ फोर्स एंड डिप्लोमेसी, फोर्स के थ्रू और डिप्लोमेसी, यानी कि जो भी उन्होंने क्या किए आगे की सोचा समझा, जो उनकी पॉलिसीज थी उसके थ्रू, और अफगान को डिफीट कर दिया अपने फोर्स और डिप्लोमेसी को यूज करके वहां, और फिर वहां पीस ला गए इस रीजन में, यानी कि शांति बनाई रखी जहां पे जो ट्रबल वगैरह हो रहा था, तो वहां पे उन्होंने इस एरिया को जीत के क्या कर दिया, शांति बना दी। तो यहाँ पे जो औरंगजेब उनकी पॉलिसीज ऐसी थी। द लास्ट टू कम इन टू मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद औरंगजेब वर द सिक्स, और लास्ट में जिसके साथ उनका फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, विद्रोह हुआ, वो कौन थे, सिक्स थे। एज अ रिजल्ट ऑफ औरंगजेब पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस द सिक्स इन द पंजाब टर्न हॉस्टाइल टू हिम, और जो औरंगजेब की पॉलिसी थी रिलीजियस इंटॉलरेंस की, यानी कि वो और रिलीजियंस को टॉलरेट नहीं करते थे। जैसे अकबर की पॉलिसी तो थी ना, हमने जैसे पहले चैप्टर में, इससे पहले चैप्टर में पढ़ा हिस्ट्री में, कि वो सारे रिलीजियस को, रिलीजन को मानते थे, उनको बढ़ावा देते थे, पर जो औरंगजेब थे वो ऐसे नहीं थे। तो इसकी वजह से जो सिख है पंजाब में वो उनके अगेंस्ट चले गए, यानी कि उनके लिए वो जो सिख थे वो उनको नहीं मानते थे। अच्छा, द नाइन्थ सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस, और जो नाइन्थ सिख गुरु थे, जब जो औरंगजेब, उन्होंने कहा कि यही बड़ा रिलीजन चलेगा, तो बट उन्होंने अपोज किया, तो जो गुरु तेग बहादुर थे वो इसके अगेंस्ट में क्या हुए, स्टैंड लिया उन्होंने। एज अ रिजल्ट औरंगजेब हैड हिम अरेस्टेड एंड ब्रॉट टू दिल्ली, और इसी वजह से जो तेग बहादुर है उनको अरेस्ट कर दिया गया और दिल्ली लाया गया, लाया गया। He was asked to embrace Islam and when the guru refused to do so, he was beheaded. तो यहाँ पे देखिए औरंगजेब की पॉलिसी कितनी स्ट्रेंज थी, मतलब बिल्कुल ही इनजस्टिस डन किया उन्होंने यहाँ पे। जब गुरु तेग बहादुर को कहा गया कि तुम इस्लाम को एडॉप्ट करोगे, इसको मानोगे, इसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करोगे, तो जो गुरु है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, और उसके बाद उनका सर क्या कर दिया गया, धड़ से अलग कर दिया गया। बीहेडेड का मतलब वही होता है। दिस इवेंट प्रोवोक्ड द पीपल ऑफ पंजाब सो मच दैट दे रोज इन ओपन रिपोर्ट अगेंस्ट द मुगल रूल, और इस वजह से जो लोग हैं उनको बिल्कुल भी ये बात सही नहीं लगी, और इस वजह से उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया मुगल रूल के, मुगल रूलर के अगेंस्ट में। आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु तेग बहादुर हिज सन गुरु गोबिंद सिंह द 10th एंड लास्ट सिख गुरु टर्न द सिख्स इनटू अ मार्शल रेस कॉल्ड द खालसा, और गुरु तेग बहादुर की डेथ के बाद उनके जो बेटे थे गुरु गोबिंद सिंह, जो 10th और लास्ट सिख गुरु थे, ठीक है, उन्होंने सिख को इस मार्शल रेस में, यानी कि ये जो रेस थी, ठीक है, ये जो रिलीजन्स वगैरह की, जो इसमें क्या कर दिया, एक ग्रुप बनाया जिसको बोला गया खालसा। ऑल द मेंबर्स ऑफ खालसा बैप्टाइज विद वॉटर स्टिल्ड विद अ डैगर, जो भी मेंबर है खालसा के, ठीक है, तो बैप्टाइज का मतलब क्या होता है, जो उनके पास आप देखते हो ना कि एक डैगर होता है, डैगर यानी कि जो आगे से नुकीला होता है ना, एक चाकू टाइप का वो रहता है ना उनके पास, तो वो उसको क्या करते हैं, वाटर यानी कि जो वाटर वगैरह जो पवित्र पानी होता है उसमें क्या करते हैं, उसको और पवित्र करते हैं, रखते हैं अपने पास, आपने देखा भी होगा। दे वर नोन एज द सिंह, तो जिनके पास ये होगा उनको बोला जाएगा सिंह और लॉय। गुरु गोबिंद सिंह फॉट मेनी सक्सेसफुल बैटल्स अगेंस्ट औरंगजेब एंड कंटिन्यूड द स्ट्रगल, जो गुरु गोबिंद सिंह है उन्होंने बहुत ही ज्यादा बैटल्स को क्या किया, लड़ा औरंगजेब के अगेंस्ट में, और अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा। गुरु गोबिंद सिंह के डेथ के बाद जो उनके सक्सेसर है बांदा बहादुर, उन्होंने स्ट्रगल को कैरी ऑन किया, किसके अगेंस्ट में, मुगल के अगेंस्ट में। तो ऐसे करके जो औरंगजेब, उनकी कितनी हार्श पॉलिसीज थी, यानी कि वो चाहते थे कि वो जो रिलीजन है उनका वो ही सब अपनाए, यानी कि कोई भी रिलीजन उनको टॉलरेंस नहीं था, तो उन इसकी वजह से ही यहाँ पे क्या हो गया था, रिवोल्ट हो गया था सिख का, जहाँ पे जो
गुरु गोविंद सिंह ने, जो 10th और लास्ट सिख गुरु थे, उन्होंने एक मार्शल रेस बन यानी कि एक ऐसी कॉम बनाई जिनको बोला गया खालसा, ठीक है। और जो भी मेंबर थे खालसा के, वो एक डैगर रखते थे, जो मैंने बोला एक नुकीला चाकू टाइप का, जो आगे से बहुत नुकीला रहता था, और उसको पहले पवित्र करेंगे वाटर में स्टिल्ड, यानी कि उसको उसको उसमें क्या करेंगे और अच्छी तरीके से पवित्र करेंगे और उसको रखेंगे। जो वो रखते थे उनको बोला गया सिंगल पॉइंट। During the early years of his reign, Aurangzeb attached great value to his alliance with the Rajputs. और जो early year यानी कि पहले के साल थे उनके शासनकाल के औरंगजेब के, तो वो बनाए रखते थे, संधि बनाए रखते थे राजपूत के साथ। He tried to secure the active support of the Rajput and gave them high mansab. वो ये try करते थे कि सपोर्ट देना राजपूत को और उनको मनसब भी देना। However, later on, Aurangzeb came in conflict with the Rajput rulers of Mewar and Marwar, the two major kingdoms in Rajasthan. और बाद में औरंगजेब ने कहाँ पे विद्रोह कर दिया, किनके साथ विद्रोह किया, राजपूत रूलर्स जो मेवाड़ और मारवाड़ थे उनके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया उनका, और ये जो दो मेजर किंगडम्स है राजस्थान के, इनके साथ हो गया था। The conflict in Marwa began when its ruler Jaswant Singh died without a male heir, and Aurangzeb refused to acknowledge Jaswant Singh's posthumous son Ajit Singh as his successor. तो इसमें क्या हुआ स्टूडेंट, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, क्योंकि मारवाड़ में जो जसवंत सिंह है उनका कोई भी क्या नहीं था, अपना उत्तराधिकारी नहीं था, यानी कि उनका अपना कोई बेटा नहीं था जिसे वो क्या बना सकते थे, सक्सेसर बनाते अपने मरने के बाद, है ना। तो यहाँ पे उनका कोई बेटा नहीं था और औरंगजेब ने ये रिफ्यूज कर दिया कि जो जसवंत सिंह के पोस्टुमस सन, यानी कि उन्होंने अपनी अपने डेथ के बाद जिसको बोला होगा ना कि तुम बनोगे, भले वो अपने बेटे नहीं थे उनके अजीत सिंह, तो बोला कि तुम बन जाओगे, तो औरंगजेब ने इस बात से रिफ्यूज किया और नहीं माना कि वो बने कौन, सक्सेसर किसका, जसवंत सिंह के पोस्टुमस सन यानी कि अजीत सिंह उनका सक्सेसर बने, वो ये नहीं मानने थे, औरंगजेब ने रिफ्यूज कर दिया इस बात को, इसलिए वहां कंफ्लिक्ट हो गया उनको उनके साथ। द राजपूत लेड बाय दुर्गादास प्रोटेस्टेड अगेंस्ट औरंगजेब इंटरफेरेंस इन देयर इंटरनल अफेयर्स, और जो राजपूत यानी कि जो राजपूत को लेड कर रहे थे, जो उनके हेड थे दुर्गादास, उन्होंने किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, औरंगजेब के इंटरफेरेंस में, उनके इंटरनल अफेयर्स में, वो क्या ना करे, इंटरफेयर ना करे कौन, औरंगजेब। तो उन्होंने इसके अगेंस्ट में बोला उनसे कि हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। औरंगजेब मार्च टू अजमेर ऑक्यूपाइड जोधपुर एंड क्रश द राजपूत, और औरंगजेब ने फिर आगे बढ़े अजमेर की तरफ और ऑक्यूपाइड कर दिया यानी कि जीता जोधपुर को और राजपूत को वहां पे हरा दिया। दुर्गादास फ्लेड विद अजीत सिंह टू मेवाड़, और जो दुर्गादास है वो भाग गए अजीत सिंह के साथ मेवाड़, जहां जो राणा है उन्होंने उनको भेजा एक सीक्रेट हाइड आउट यानी कि आप इस जगह छुप जाओ, ठीक है। व्हेन द राणा ऑफ मेवाड़ डिसाइडेड टू सपोर्ट द क्लेम ऑफ अजीत सिंह, औरंगजेब अटैक मेवाड़ एंड वार कंटिन्यू टिल ही साइन अ पीस ट्रीटी विद द न्यू राणा ऑफ मेवाड़। जो राणा ऑफ मेवाड़ है उन्होंने डिसाइड किया, जब जो राणा ऑफ मेवाड़ उन्होंने डिसाइड किया सपोर्ट करना अजीत सिंह ने जो भी कहा, उन्होंने जो भी किया उनको सपोर्ट करना, ठीक है, उनकी बात से सहमत होना, तो उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि मैं भाई इसकी साइड रहूंगा। तो जो औरंगजेब उन्होंने अटैक कर दिया मेवाड़ में, और ये जो वार है वो चलती रही जब तक कि एक पीस ट्रीटी यानी कि शांति की ट्रीटी नहीं साइन हुई, तब तक ये वार चलती रही। किसके साथ होनी थी, न्यू राणा थे जो मेवाड़ के न्यू राणा बनेंगे उनके साथ, जब तक कोई भी पीस ट्रीटी साइन नहीं होती है तब तक औरंगजेब ने अटैक करा मेवाड़ में। द मुगल्स केप्ट देयर कंट्रोल ऑन मारवाड़ एंड द वारफेयर कंटिन्यूड टिल 1698 व्हेन अजीत सिंह वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द रूलर ऑफ मारवाड़। और जो मुगल्स है उन्होंने अपना कंट्रोल मारवाड़ में बनाए रखा और जो वार थी वो कंटिन्यू रही 1698 तक, जब जो अजीत सिंह है वो रिकॉग्नाइज्ड यानी कि उनको पहचाने गए रूलर ऑफ मारवाड़ की, मारवाड़ के, ठीक है। तो तब तक ये वार कंटिन्यू चलती रही। डेक्कन पॉलिसी औरंगजेब की क्या थी, जो औरंगजेब थे वो बिजी थे विद्रोह को दबाने में नॉर्दर्न इंडिया में, और जो मराठास थे वो एक बहुत ही स्ट्रांग फोर्स थी, किसके लीडरशिप में, शिवाजी के। जो शिवाजी है वो कहाँ की तरफ थे, डेक्कन की तरफ थे, तो उनके अंडर में जो मराठास थे वो एक स्ट्रांग फोर्स थी, ठीक है।
This made Aurangzeb to turn his attention towards the Deccan, where he spent the last 26 years of his reign. और इसने औरंगजेब को बना दिया कि उनका attention यानी कि उनका ध्यान किधर Deccan की तरफ भी जाना लगा, जहां उन्होंने अपने 26 years अपने शासन के बिताए थे. He annexed Bijapur in 1685 and Golconda in 1687. और उन्होंने यहाँ अपने अंडर में ले लिया बीजापुर 1685 में और गोलकंडा को भी 1687 में. जो थर्ड ग्रेट पावर थी इंपॉर्टेंस की डेक्कन में वो थी मराठास, यानी कि अब जो पावर है डेक्कन में वो कौन सी थी? मराठास. मराठास वर स्मॉल चीफेंस हु ओड एलिजियंस टू द डेक्कन किंगडम्स. जो मराठास थे स्टूडेंट वो क्या थे? लीडर थे ट्राइब के, ठीक है, यानी कि जो वहां की पावर थी ना डेक्कन की, यानी कि जो मराठास थी इंपॉर्टेंट पावर थी डेक्कन की, ठीक है. तो ये क्या थे? एक स्मॉल ट्राइब थे जो क्या करते थे, सपोर्ट करते थे किसकी गवर्नमेंट को? डेक्कन किंगडम्स को, यानी कि जो वहां के क्या थे लीडर वगैरह, उनको जो भी वो बोलते थे वहां वो क्या करते थे, उनको ओड यानी कि मानते थे, उनका जो भी आदर वगैरह, उनका जो भी ऑर्डर वगैरह था वो एक्सेप्ट करते थे. ग्रेजुअली दे गैदर्ड अ बैंड ऑफ सोल्जर्स. तो मराठास ने धीरे धीरे बैंड ऑफ सोल्जर्स को इकट्ठा किया. दे मास्टर द टैक्टिक्स ऑफ गुरिल्ला वारफेयर, यानी कि जो गुरिल्ला वारफेयर होती थी उसमें भी वो मास्टरी कर लेते थे, यानी कि कभी एट ए वार हो, कभी भी वार हो जाए तो उनको टैक्टिक्स आनी चाहिए कि ये गुरिल्ला वारफेयर कैसे की जाती है. और उन्होंने वहां के जो लोकल रूलर्स हैं उनको रिफ्यूज किया, लोकल रूलर्स को रिफ्यूज किया जो भी वो बोलते थे उनकी बात को, और धीरे धीरे मुगल्स को भी रिफ्यूज किया. इन स्पाइट ऑफ द रिपीटेड अटैक्स द मुगल्स कुड नॉट सक्सीड अगेंस्ट द मराठास. बहुत बार अटैक किया मुगल्स ने पर जो वो सक्सीड नहीं हो पाए किसने, उनको डिफीट करने में मराठास को. औरंगजेब डिड नॉट ट्राई टू मेक पीस विद द मराठास एंड कंटिन्यू विद हिज पॉलिसी ऑफ वार. औरंगजेब नहीं चाहते थे शांति बनाए रखना मराठास के साथ और अपनी जो पॉलिसी है वार की उसको कंटिन्यू रखा उन्होंने. जो कंटिन्यूस वार डिप्लीटेड द रॉयल ट्रेजरी एंड लेड टू द लॉस ऑफ ए नंबर ऑफ सोल्जर्स. और जब वो वार पे ही करते रहे, वो मराठास पे वार करते रहे तो उनकी जो रॉयल ट्रेजरी यानी कि शाही खजाना, जहां से कि क्या सोल्जर्स को मेंटेन करना उनके खाने पीने से लेकर और उनको हथियार वगैरह भी बनवाने के लिए चाहिए होंगे ट्रेज यानी कि खजाना, यानी कि बिना उसके तो नहीं होता है ना. तो इसके इस वजह से यानी कि वो उतना वार उन्होंने वहां लड़ी मराठास के अगेंस्ट, तो उनका जो शाही खजाना था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा और इससे उनके सोल्जर्स भी कम पड़ने लगे. क्यों? क्योंकि उनके पास जब उनको जो भी फैसिलिटीज है वो उनको नहीं दे पाएंगे तो इस वजह से क्या हो जाएंगे, सोल्जर्स भी क्या है कहां से काम करेंगे. फर्दर औरंगजेब्स लॉन्ग अब्सेंस फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया लेड टू द राइज ऑफ रिबेलियंस इन द नॉर्थ. और जो औरंगजेब है अब उनका ध्यान जब डेक्कन की तरफ लग गया था तो जो नॉर्दर्न इंडिया है वहां उनकी अब्सेंस हो गई थी और इसी वजह से नॉर्थ में भी क्या हो गए थे, विद्रोह शुरू हो गए थे. अब हम पढ़ते हैं शिवाजी के बारे में जिनकी पिक आपको दे रखी है. शिवाजी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मराठा स्टेट को बनाया था जो कल्याण से लेकर गोवा तक था और कुछ पार्ट कर्नाटका और मैसूर के भी थे. He could do so because of two reasons. उन्होंने दो रीजन की वजह से ऐसा किया. सबसे पहला था जो मुगल का कंट्रोल था डेक्कन पे वो थोड़ा कमजोर था तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया. दूसरा जो मराठास था उन्होंने एक ऐसा रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिससे कि वो कलेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे बहुत ज्यादा रेवेन्यू और फिर उस रेवेन्यू से वो अपनी आर्मी को मेंटेन कर सकते थे. जो एज ऑफ मैग्निफिसेंस यानी कि जब यहाँ यहाँ पे उन्होंने बड़ी बड़ी आर्किटेक्चर वगैरह इन्होंने भी बनाए होंगे तो इसके बारे में पढ़ते हैं. जो उनका बिल्कुल ही जो ग्रैंड एम्पायर वगैरह था वो हम इसमें पढ़ते हैं. जो 17th सेंचुरी थी उसको डिस्क्राइब किया गया मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में एज ऑफ मैग्निफिसेंस. इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट द मुगल एम्पायर रीच द जेनिथ ऑफ इट्स ग्लोरी. इस टाइम पे ये जो पीरियड था 17th सेंचुरी का, इस टाइम पे जो मुगल एम्पायर है वो एक टॉप पे थे ग्लोरी यानी कि जहाँ पे उनको क्या थी बहुत ज्यादा उनका एम्पायर वास्ट था तो हर तरफ क्या थे वो फेमस थे. अकबर लेड द फाउंडेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एम्पायर. यहाँ पे अकबर ने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर की फाउंडेशन रखी थी यानी कि अपना एम्पायर सेटल किया था जिसके बाद वो एक्सपेंडेड यानी कि जिसके बाद वो फैला और उसके बाद फैलने के बाद उसको किसने फिर
वैसे बनाए रखा, जहांगीर ने और शाहजहां ने भी वैसे बनाए रखा, और बाद में औरंगजेब बने एम्पायर तो उन्होंने भी ऐसा बनाए रखा। देयर वॉज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू आउट द एम्पायर, और वहां क्या थी, शांति थी और समृद्धि भी थी इस पूरे एम्पायर में। दिस एनेबल्ड द रूलर्स टू डिवोट देमसेल्फ टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स एंड मॉस्क यूजिंग मार्बल एंड रेड सैंड स्टोन। हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था कि जैसे शाहजहां, वो भी आर्ट और आर्किटेक्चर के क्या थे, बहुत ही ज्यादा क्या थे, लवर थे, स्कॉलर भी थे वो अलग अलग फील्ड में। वैसे ही जहांगीर भी थे, उन्होंने जैसे ताजमहल बनाया था, सॉरी शाहजहां ने अपनी वाइफ के लिए बनाया था और जहांगीर ने भी बहुत सारी चीजें बनाई थी। तो वहां पे, यहाँ पे जो उन्होंने पीस और प्रॉस्पेरिटी अपने एम्पायर में बनाई रखी, इसकी वजह से जो रूलर्स हैं उन्होंने अपने को क्या, किधर की तरफ अपना ध्यान दिया, कंस्ट्रक्शन किसका, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का, मस्जिदें बनाने का, जिनको जिनमें यूज किया जाता था मार्बल और रेड सैंड स्टोन। ट्रेड एंड कॉमर्स विद फॉरिन कंट्रीज मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस। ट्रेड और कॉमर्स यानी कि जैसे ट्रेड और कॉमर्स उस टाइम पे बहुत ज्यादा होता था फॉरेन कंट्रीज के साथ, तो इस वजह से भी वहाँ प्रोग्रेस बहुत अच्छी रहती थी। और इसका रिजल्ट था कि जो फॉरेन वेल्थ है वो इंडिया में आई, यानी कि जब ट्रेड हुआ तो ट्रेड कैसा होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ, तो इसलिए वो फॉरेन वेल्थ इंडिया में आई और इसने यहाँ की इनकम बढ़ा दी। However, behind such glamour, there appeared signs of weakening of the empire. और ग्लैमर के साथ साथ इस एम्पायर का वीक होना भी शुरू हो गया, यानी कि कमजोर पड़ने लगा है एम्पायर, मुगल एम्पायर। दिस वॉज कॉज बाय लेविस स्पेंडिंग ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैजेस्टिक पैलेसेस। और ये किस लिए हुआ, जब उनको लेविस यानी कि बहुत ही खर्च, मतलब जहां बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड किया जाता है पैसा, ठीक है, तो वो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए ऐसे पहले से जहां बहुत ज्यादा उसको लेविस बनाना चाहते थे, स्प्लेंडेड बनाना चाहते थे। जैसे कि टॉम्स मॉस्क में भी इन्होंने बहुत ज्यादा अपने जो भी ट्रेजरी वगैरह वो वहां भी लगा दी। एंड ऑन अनसक्सेसफुल मिलिट्री एक्सपीडिशंस यानी कि जब ये एक पर्टिकुलर ग्रुप को भेजते थे ना दूसरी जगह वहां ऑक्यूपाई करने के लिए, तो वहां भी मिलिट्री को क्या चाहिए थे, यही चाहिए थे ना आगे वो काम करने के लिए, पैसे वगैरह, तो वही। ऑल दिस एडेड अ हैवी बर्डन ऑन रॉयल ट्रेजरी। जैसे कि इन्होंने इतने सारे खर्चे किए तो इसलिए इनकी रॉयल ट्रेजरी वो क्या हो गई, खाली होने लगी। और इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो हैवी टैक्स इम्पोज करने लगी पीजेंट्री को, यानी कि जो खेतों में काम करते थे पीजेंट्स, जिस लैंड पे वो काम करते थे तो जितना उनका प्रोड्यूस होगा उस पर टैक्स ज्यादा देंगे। तो इस वजह से हमने देखा ना कि पीजेंट भी क्या थे, रिवोल्ट में थे इनके अगेंस्ट में। तो जब ये हैवी टैक्स इम्पोज करने लगे उनके लिए, तो पीजेंट को भी फिर वहां पे रिवोल्ट करना पड़ा, ये हमने अभी पढ़ा। हैवी टैक्सेशन रूइंड द पीजेंट्री एंड लेड टू द डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर। और टैक्स की वजह से जो पीजेंट थे उन्होंने नहीं की हुए फिर वो काम नहीं किया, और इसकी वजह से एग्रीकल्चर भी उनका डिक्लाइन होने लगा। दस वर सोन द सीड्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। और यहीं से जो बीज बोए जाने लगे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन इसी वजह से होने लगा। However, these signs of weakness were not visible under the magnificence and splendor of the Mughal court. और ये जो signs of weakness के ये visible नहीं दिखे कहाँ पे, जहाँ पे ये बड़ी-बड़ी चीजें बनाई गई मुगल कोर्ट की। डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। अब जो डिक्लाइन था मुगल एम्पायर को कैसे हुआ, जो मुगल एम्पायर है जिनको जाना जाता है अपने एक्सटेंसिव टेरिटरीज के लिए, मिलिट्री माइट यानी कि जो भी उनकी आर्मी थी वो कितनी शक्तिशाली थी, उन्होंने कितने कल्चरल अचीवमेंट्स किए यानी कि इतने सारे आर्किटेक्चर आर्ट ये लाइव और भी चीजें, धीरे धीरे ये डिक्लाइन होने लगी 18th सेंचुरी के बिगनिंग में। जो 9 मुगल रूलर्स हैं जिनको बोला गया लेटर मुगल्स, उन्होंने एक दूसरे को क्या किया, फॉलो किया, और एक दूसरे के बाद आपने देखा होगा कि वो एक के बाद एक गद्दी में बैठे 15 ईयर्स में। और फिर उसके बाद जो औरंगजेब की डेथ हो गई 1707 में। जो फॉलोइंग फैक्टर है जिसकी वजह से डिक्लाइन हुए मुगल एम्पायर का, वो है जो औरंगजेब है उन्होंने जो अकबर की पॉलिसी यानी कि डिप्लोमेसी और रिलीजियस टॉलरेंस की, उसको छोड़ दिया था। यानी कि आपने देखा ना कि वो जो सिख के साथ उन्होंने क्या कर दिया था, रिवोल्ट कर दिया था, तो यानी कि वो रिलीजियस इंटॉलरेंस करते थे, यानी कि किसी भी रिलीजन को वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। ही इम्पोज जिजिया, और उन्होंने जो जिजिया कर है उसको भी क्या करा, दोबारा लगा दिया। आपने देखा ना अकबर ने हटा दिया था वो, और इन्होंने दोबारा इस टैक्स को लगा दिया था। पिलग्रिम टैक्स को भी नॉन मुस्लिम पे लगा दिया था, और उनको जो हाई पोस्ट दे रखी थी स्टेट में उनसे हटा दिया गया था। यानी कि जो औरंगजेब है उन्होंने बिल्कुल अपोजिट काम किया अकबर की।
ऑरेंज पॉलिसी ऑफ कंटिन्यूअस वॉर इन द डेक्कन फर्दर वीकेंड द एम्पायर। और अभी हमने पढ़ा जैसे कि वो डेक्कन को भी ऑक्यूपाई करने के चक्कर में थे, तो इस वजह से भी उनका जो रॉयल ट्रेजरी था वो खाली होने लगा और जो उनका एम्पायर है वो वीक होने लगा। क्यों? क्योंकि उनके पास आर्मी नहीं रह गई थी। जो सक्सेसर थे औरंगजेब के वो इनकैपेबल थे, यानी कि वो काम करने लायक नहीं थे, यानी कि वो ऐसे ही थे जिनको काम नहीं आता था। मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ सच अ वास्ट एम्पायर, वो इतने बड़े वास्ट एम्पायर को नहीं संभाल पाए। जो मुगल नोबिलिटी थी वो उसको डिवाइड किया गया था 3 ग्रुप में, ईरानी, सूरानी और हिंदुस्तानी में, और स्ट्रगल पावर को लेकर रहता था इनके बीच में। इवन इन द फेस ऑफ फॉरेन इन्वेजन द नोबल्स कुड नॉट फोर्ज अ यूनाइटेड फ्रंट एंड ऑफन कोलैबोरेटेड विद द इन्वेडर्स। और जो जैसे कि ये दुश्मन थे ना आपस में एक दूसरे के, यानी कि नोबिलिटी यानी कि जो हाई क्लास लोग रहते हैं दरबार में काम करते हैं राजा के अंडर में, तो अगर इन पे ही यूनिटी नहीं होगी तो जो बाहर से जो इन्वेडर्स आते थे तो वो इजिली क्या कर देते थे, वहां अटैक कर देते थे और वो उनके साथ मिल जाते थे। कौन? ये नोबल लोग। जो मुगल आर्मी थी उसको ऑर्गेनाइज किया गया ज्यादा या कम में फ्यूडल लाइंस में, और जो कॉमन सोल्जर्स थे उन्होंने वो किसके साथ सहमति करते थे, मनसबदार के साथ। वो एम्परर के साथ नहीं मिलते थे, वो मनसबदार के साथ मिल जाते थे। और 18 सेंचुरी में जितने भी मनसबदार थे उनको वो इंक्रीज हो गए और फिर ये डिफिकल्ट हो गया उनको कंट्रोल करना। तो इतने सारे मनसबदार बन गए और फिर उनको कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो गया। जो इकोनॉमिक कंडीशन थी मुगल एम्पायर की वो वॉर्सन यानी कि बहुत ही बेकार हो गई थी, जैसे कि औरंगजेब का रूल खत्म होने वाला था। जब जो एग्रीकल्चर था वो भी बुरी तरीके से क्या हो गया था, खत्म हो चुका था। क्यों? वॉर की वजह से, हाई टैक्स की वजह से जो पीजेंट है उन्होंने छोड़ दिए थे वो लैंड, जागीरदारी क्राइसिस की वजह से भी और फेमाइंस की वजह से भी। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी इंडिया की, उसने अपॉर्चुनिटी दी फॉरेन्स को, जैसे कि नदीर शाह जो क्या ले गए थे, कोहिनूर डायमंड को ले गए थे अपने साथ ना, तो इस वजह से इनको भी क्या मिल गया, मौका मिल गया इंडिया में आने का और आक्रमण करने का। और जो अहमद साहब दाली उन्होंने भी इंडिया में आक्रमण कर दिया इन्हीं की वजह से, ये जो इनकी इतनी सारी गलतियां थी ना इनकी वजह से ऐसा हुआ। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये जो अच्छा सा चैप्टर था हिस्ट्री का, इंटरेस्टिंग चैप्टर था जिसमें आपने इतने सारे मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ा, आई होप